तो दोस्तों आप देख सकते हो ऑटो भी आ चुका है और हम यहाँ से जाने वाले हैं अभी जल्दी। तो दोस्तों बैग रख देते हैं, सारा सामान इधर रख दिया है ऑटो में। लास्ट बार बाय बाय टाटा, चले मुंबई की तरफ हम। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे, आप देख सकते हो, और यहीं पे अभी बस आएगी और यहीं से हम ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे। ये सांचौर चार रास्ता आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी यहीं बस आने वाली है, आप देख सकते हो ये NH68 है, नेशनल हाईवे 68। सामने आप देख सकते हो बसें खड़ी हैं मुंबई के लिए। सामने एक होटल भी है जिसका नाम है अमर इंटरनेशनल। और ये दोस्तों एक बस आ रही है, ये भी जिस ट्रैवल से हम जाने वाले हैं उन्हीं की है, बट ये बस नहीं है, दूसरी बस जो आएगी वो अपनी बस है, तो हम उसमें ट्रैवल करेंगे, आप देख सकते हो। तो ये बस का नाम है दोस्तों मलीना ट्रैवल्स। तो दोस्तों ये बस तो चली गई और अभी ये देखो हमारी भी बस आ चुकी है यहाँ पे, यही बस है, अभी इसी बस में हमको यहाँ से ट्रैवल करना है मुंबई के लिए। करीबन 900-950 किलोमीटर यहाँ से ट्रैवल करना है हमको इसी बस से। करीबन 3 बज चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अंदर, देख सकते हो। और दोस्तों देख सकते हो सामने भी बसें खड़ी हैं, ये भी मुंबई के लिए अभी यहाँ से रवाना होंगी। और टाइम हो चुका है 3:30 हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हम जो है अंदर आ चुके हैं बस के अंदर। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हो ये बिश्नोई ट्रेवल्स है, ये भी अभी मुंबई के लिए रवाना होने वाली है। मुंबई से आगे भी जाती है, ये पुणे तक जाती है, तो ये पुणे के लिए रवाना होने वाली है। और अभी हमारी बस भी यहीं से रवाना हो जाएगी, क्योंकि टाइमिंग हो चुका है, थोड़ा लेट भी है क्योंकि 3 बजे का टाइमिंग है, अभी 3:30-4 बजने आए हैं। और आप देख सकते हो कि बस भी यहाँ से निकल चुकी है मुंबई के लिए, तो अभी यहाँ से यू टर्न लेगी और बाद में आगे जाएंगे हम। तो दोस्तों अभी आगे से यू टर्न ले लेगी और बाद में चलेंगे मुंबई की ओर। और आशा करते हैं कि सफ़र अच्छा हो और टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि लेट निकली है बस अभी। ये भी एक ट्रैवल की बस खड़ी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और ये यहाँ पे मरुधर ट्रैवल्स, बजरंग, मतलब बहुत सारी यहाँ पे ट्रैवल्स एजेंसी है जो यहाँ पे मुंबई के लिए बस हैं। और ये है सांचौर का चार रास्ता है, सर्कल है, यहीं से अभी यू टर्न लेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे स्कॉर्पियो बोलेरो ज़्यादा चलते हैं राजस्थान में। ये दोस्तों है सांचौर का चार रास्ता, आप देख सकते हो। और अभी यहाँ से यू टर्न लेके सीधे NH68 मुंबई के लिए। और दोस्तों ये सामने आप देख रहे हैं, ये जाता है मार्केट में, सांचौर मार्केट में रास्ता जाता है मेन सिटी की तरफ। और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं मुंबई के लिए, आप देख सकते हो। पहले यहाँ पे हमारी बस खड़ी थी सामने, और अभी यहाँ से बस ये निकल चुकी है। तो दोस्तों अभी धीरे धीरे सफ़र चालू हुआ है और आगे देखते हैं कि क्या नज़ारे हैं, कैसे क्या क्या सीन होता है आगे, वो देखना होगा।
आगे बारिश भी है कि नहीं वो भी देखना होगा, यहाँ तो नहीं है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बस रुकी है थोड़ी, और क्या सीन है आप देख सकते हो यहाँ का। ये देखो मैं पूरा दिखाता हूँ आपको सही से, देख लीजिए दोस्तों, अलग ही सीन है यहाँ का, एकदम बारिश का मौसम लग रहा है अभी। अभी हम गुजरात के आसपास ही हैं, यहाँ से अभी पेट्रोल पंप पे जाएंगे और फिर यहाँ से फ्यूल डाल देंगे और बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप की तरफ और यहाँ से डीजल भरवा के फिर ये बस चलेगी आगे। तो देखते हैं कितने का डीजल भरवाते हैं यहाँ से और देख लेते हैं। तो दोस्तों हम आप देख सकते हो कि हम लोग पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं और अभी यहाँ से ज़्यादा भीड़ भी नहीं है क्योंकि अभी कोरोना का सीज़न है आप देख सकते हो। और ये देखो यहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे करीबन इन्होंने 16,000-17,000 का कोई डीज़ल डाला है मुंबई के लिए। बारिश का मौसम है, आगे लगता है बारिश होगा शायद, गुजरात के अंदर बारिश शायद है। और यहाँ पे हरा भरा एकदम सीन है आप देख सकते हो राजस्थान का। और ये है देख सकते हो आप कितना एकदम हरा भरा सीन है, क्योंकि यहाँ पहले बारिश हुई है इसलिए पूरा एकदम हरा भरा दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक अलग ही नज़ारे होते हैं ना दोस्तों, सुकून मिल जाता है देख के ही, हरे भरे नज़ारे ये हर कहीं पे देखने को नहीं मिलते हैं, आपको पता ही है। छोटे छोटे घर, एकदम गांव की लाइफ एक अलग ही लाइफ होती है दोस्तों, और एक शहर की लाइफ, शहर की लाइफ दौड़ भाग भरी ज़िंदगी, थकना मना है वही वाली लाइफ है मुंबई की, तो आपको पता ही है। गांव की लाइफ गांव की लाइफ है, देख सकते हो आप कितना ग्रीन है, नेचुरल कितना है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा लगता होगा लोगों को रहने में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं, एक साइड में बस लगाया था थोड़ा यहाँ पे रेस्ट के लिए, और आप देख सकते हो यहाँ से बस अभी निकल चुकी है और यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है जैसे कश्मीर में आ गए। तो दोस्तों धीरे धीरे ये बस थोड़ी लेट होती जा रही है क्योंकि आप देख सकते हो रास्ते ख़राब है बारिश की वजह से, और यहाँ पे काम भी चल रहा है रास्ते का आप देख सकते हो, एक साइड रास्ता बन रहा है और दूसरी साइड बसें चल रही है, वाहन चल रहे हैं आप देख सकते हो। तो यहाँ से लेट हो रही है बस धीरे धीरे, अभी आगे देखते हैं कि क्या हाल है। अभी से ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा क्या मालूम। देख सकते हो सामने से भी ट्रैफिक और यहाँ से रास्ता सही नहीं है, देख सकते हो आप यहाँ काम चल रहा है रास्ते का, नया रास्ता बन रहा है, बाद में तो अच्छा हो जाएगा बट अभी का हाल बहुत बुरा है यहाँ देख सकते। और दोस्तों यहाँ पे अभी जो है बारिश स्टार्ट हो गई है और आप देख सकते हो अभी ये देख सकते हो दोस्तों बारिश स्टार्ट है। और ये जो है शहर है गुजरात का डीसा शहर है, अभी डीसा आया है और करीबन बज गए 6:30, तो फिर बहुत लेट है, आपको पता ही है कि रास्ता ख़राब है इसलिए गाड़ी बहुत लेट हो रही है। अब देखते हैं सुबह कितने बजे पहुंचते हैं मुंबई। और दोस्तों यहाँ पे अभी सिद्धपुर के आसपास ये होटल है, यहाँ पे रुकी है बस, आप देख सकते हो सामने बस है और यहाँ पे अभी रुकी है चाय नाश्ता करने के लिए। ये पहला स्टॉप है बट ऐसे तो स्टॉप बहुत ली है, बट ये होटल पे पहला स्टॉप है। दोस्तों अगर आप राजस्थान से ट्रेवल करते हो तो ये पहचान ही गए होंगे कि ये क्या है, ये भरूच का ब्रिज है जो अभी अभी न्यू बना है,
करीबन 1 साल 2 साल हुए, और ये न्यू बना है। आप देख सकते हो कितना लंबा है, बहुत ही अभी अच्छा ब्रिज बन गया, तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता। जब इसका काम चल रहा था बहुत ट्रैफिक हो रहा था यहाँ पे, और नीचे देखो पानी है और ऊपर ये ब्रिज है, तो बहुत ही अलग ही दिख रहा है नाइट में। और यहाँ पे करीबन बज चुके हैं, 1 बज गया है यहाँ पे, रात का 1 बजा है और हम भरूच पहुँचे हैं। आप देख सकते हो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी आप देख सकते हो कि हम लोग पहुंच चुके हैं वापी के आसपास हैं, वापी अभी आने वाला है। और ये देखो ट्रैफिक, आप देख सकते हो कि क्या हाल हुआ होगा हमारी पूरी नाइट में। और अभी करीबन बज चुके हैं 9:30, ये बस पहुंचने वाली थी करीबन 6 बजे और 9:30 अभी वापी में। दोस्तों यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है क्योंकि आगे खड्डे बहुत है। सही बात तो ये है कि खड्डे, इनकी भी गलती नहीं है क्योंकि इतने खड्डे हैं बारिश की वजह से, रोड सही नहीं है, हाईवे सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे इतना ट्रैफिक। आप देख सकते हो कि लंबी कतारें लगी। दोस्तों अभी ट्रैफिक से निकल के थोड़े ही बाहर आए, आप देख सकते हो स्पीड फिर से पकड़ी है। और अब कब पहुँचते हैं मुंबई ये देखना होगा, क्या टाइमिंग रहता है, आगे का क्या शेड्यूल है, देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं मुंबई। और आप देख सकते हो कि अभी अच्छी खासी स्पीड में है, ऐसा रोड मिल जाए तो फिर तो पहुंचना ही था टाइम, बट क्या करें, रास्ता ही ख़राब है तो फिर इनकी भी कोई गलती नहीं है। देख सकते हो ऐसा हाईवे मिले तो सब कुछ हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि व्हीकल कितने फास्ट जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक अभी छूटा है यहाँ से, क्योंकि आगे खड्डे नहीं हैं और वहाँ पे खड्डे थे इसलिए स्लो स्लो ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक था। और अभी आप देख सकते हो स्पीड गति पकड़ ली है क्योंकि सबको जल्दी है और लेट सब हो रहे हैं। दोस्तों अभी ट्रैफिक से निकलते ही ये एक होटल पे रुकी है फिर से बस, और इस होटल का नाम है काठियावाड़ी होटल नीलगिरी, ये यहीं पर है, गुजरात के अंदर ही हैं। आप देख सकते हो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं काठियावाड़ी नीलगिरी होटल, यहाँ का बहुत ही अच्छा खाना है क्योंकि यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। और ये भी वीडियो यहीं पे शूट हो रहा है, आप देख सकते हो बाजू में पेट्रोल पंप है, मुंबई जाते हुए लेफ्ट साइड में है और मुंबई से आते हुए राइट साइड में है ये होटल है, होटल नीलगिरी, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं आसानी से। बहुत ही अच्छा खाना, कहीं भी आप जा रहे हो ये हाईवे से तो आप यहाँ आके रुक सकते हो, अच्छे से खाना खा सकते हो अपने फैमिली के साथ, तो बहुत ही अच्छा होटल है ये, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको। और यहाँ से अभी बस निकल चुकी है और अभी हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं। दोस्तों बहुत लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अभी करीबन 11:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं, करीबन बज चुके हैं 1-1:30 बजने आया है और अभी जाके ये बस अभी छोड़ने वाली है हमको। इनकी भी कोई गलती नहीं है, ट्रैफिक इतना था, इतने रास्ते ख़राब थे इसलिए आज लेट हो गया, नहीं तो ये 6 बजे ही पहुंचा देते हैं सुबह। बहुत ही अच्छा इनका ट्रैवल एजेंसी है ये मैं मानता हूँ क्योंकि यहाँ से रोज़ मैं ट्रैवल करता हूँ, बट अब की बार ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है और वो भी रास्ते ख़राब हैं और बारिश का मौसम है, इस वजह से ये दिक्कतें आई हैं हमको, बट अभी हम लोग पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे उतर चुके हैं, ये है काशी मीरा जो कि मीरा भाईंदर को जोड़ता है, ये काशी मीरा यहाँ पर हम लोग उतरे हैं। बहुत लेट हो गया, दिक्कतें तो आई बट सफ़र ठीक ठाक रहा।